दादी है। रोपवे का जो टिकट है वो 100 रुपीज का है और आना और जाना दोनों है। बेटा बताओ किसके वॉकर में? मेरे वॉकर में। आप क्यों नहीं बैठ रहे अपने वॉकर में? मैं? हाँ। मुझे ना डर लगता है। डर लगता है? हाँ। अच्छा? हाँ। और पैदल चलने में? पैदल चलने में लगता। अच्छा चलो तो चलो, जय माता दी। हमारे फैमिली कुछ मेंबर तो आगे की तरफ है, कुछ पीछे है। हम उनका बीच में वेट कर रहे हैं कि पीछे वाले जब आ जाएंगे तो साथ में चलेंगे। तो रात के बजने वाले हैं 12। हमने रात को 8 बजे ट्रैक स्टार्ट किया था अपना। तो पूछते हैं ऋषभ, कैसी हालत है तुम्हारी, कैसा लग रहा है? बहुत बेकार। क्यों? अच्छा भी लग रहा है, बेकार भी लग रहा है। बेकार के पैर में दर्द हो रहा है। माता रानी का नाम लो, सब सही हो जाएगा। इसने पालकी लेने के लिए और ट्रॉली लेने के लिए मना कर दिया, क्योंकि रुद्र तो आराम से जा रहा है ट्रॉली में बैठ के। और ये सब की हालत थोड़ी डाउन है, भूख भी लग रही है यार, भूख भी तो लग रही है ना, है ना। चलो आगे देखते हैं डोसा पॉइंट पे। आओ चलो चलते रहो, तो पीछे छोड़कर। और ये बैठे हैं यहाँ। हाँ भाई ये इनका चल रहा है खाना, वो बैठा दे उन्होंने ऐसे ही। हमारा डिनर चलता हुआ, कड़ी चावल, राजमा चावल, पूरी फैमिली बैठी है। गिन्नी और आरव सो रहे हैं, फैमिली प्रेम से बोलो, सारे बोलो, सारे बोलो। कर दिया उनका हिसाब। लड़ने कोई खड़ी हुई? क्या कह रही है? लड़ने कोई खड़ी हुई है? खेल के क्या कह रही है? क्या कह रही है? चेक करेगी क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या मांग रहे हो? क्या खाएगी? चश्मा, चश्मा तेरे पापा के बैग में। माता वैष्णो भवन के सामने दुर्गा भवन बनाया गया है, जहाँ पर फ्री में डोरमेट की सुविधा है, क्लॉक रूम की व्यवस्था भी है।
पहले आओ और पहले पाओ की तर्ज पर व्यवस्था है। कान में फर्क सा पड़ा थोड़ा सा, कान सुन से हो रहे, कान किस किस के सुन हो रहे, सबके हो रहे, सबके हो रहे। आरव देखो, आरव अब बेटी कहाँ आ गए? बस में आ गए यार, बस में। हेलो, आरव देखो बेटा, सही है, बढ़िया लग रहा, कोई डरने वाली बात नहीं है, बढ़िया है एकदम। फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस है माता वैष्णो देवी में। रोपवे का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, और हम पहुंच गए हैं, चलो जी भैरव बाबा मंदिर पहुंच चुके हैं। पीछे देखिए भैरव बाबा मंदिर का नजारा, पूरी फैमिली है अपनी, सब आ गए हैं। तो फर्स्ट टाइम हम रोपवे से आए हैं, एक्सपीरियंस बड़ा तगड़ा रहा है, मस्त है एकदम, ज़बरदस्त। और यहाँ का व्यू आप देख ही रहे हैं, बाकी बाद में पूछते हैं फैमिली से क्या रिएक्शन आया है सबका। बच्चा पार्टी चल दी है रोप वे की तरफ, और रोप वे है ये, पीछे बैठ कर से बैठ लो, खड़ी हो जाके नहीं यहाँ पे, और सामने देखे भवन दिख रहा है। रोप
बुफे का जो टिकट है वो 100 रुपीज का है, और आना और जाना दोनों है। एंटरटेनमेंट जबरदस्त है। अच्छा जी, अच्छा आपने इससे पहले लंगूर देखे थे? नो। और कहाँ देखे थे लंगूर? बुक्स में? यस। और आज आज असलियत में देख लिए? यस। कितने लंगूर देखे? पता नहीं। कितने थे? एक? नहीं। और? बहुत सारे। बहुत सारे थे, काउंट नहीं किए थे आपने? नो। रुकी ना रहे? कौन? हम में? और देर तो रुकी जाते हैं निकलने में ना, सही बढ़िया मजा आ रहा। हाँ जी, कहाँ गए थे आप? कितने लंगूर हैं? 4th quarry भवन आ गया है। ये है 4th quarry भवन। और उनकी आरती का समय है जो सुबह 6 से 7, शाम को 7 से 8 बजे तक। कैसा लग रहा है भाई? मुँह देख कैसा बन रहा है इसका। चलो तो क्या हुआ था आपके साथ बताइए। मैं चाचू के लिए सैंडविच लेकर जा रहा था। हाँ तो एक बंदर आया, मेरे हाथ में सैंडविच छीन ले लिया। छीन लिया? फिर आपको कैसा लगा? मेरे को अच्छा डर लगा था। डरती है कोई बात नहीं, जब ऐसा कभी होया करे ना। बंदर? हाँ। नहीं वो पता है खाने की चीज़ को देख के झपटते हैं, तो ऐसे में क्या जो तो आपके हाथ में खाने की चीज़ होती है ना उसको वहीं पे फेंक दो बंदर के पास, तो क्या करेगा बंदर उसको उठा के फिर भाग जाएगा। ठीक है, अब डरना मत। हाँ बंदर के पास फेंक के और हट जाओ साइड में। ले जाओ,
उत्तर आओ जल्दी जल्दी अब आपके पैर दुखेंगे नहीं है, अब आप चल लोगी और नीचे निकालो पापा निकालो नहीं बेटा निकालो नहीं उसी में अच्छे से करो भैया पैर मत निकालना अंदर घुसो पैर अंदर घुसो आरू देख देख मैं तो देख आरू पैर अंदर रखना बेटा इस दो आपके पीछे वो कौन है जो आपके पीछे वो दादी दोस्तों तो हम कल शाम को आ गए थे कटरा से चढ़ाई पूरी करके गए थे और आके हमने होटल ले लिया था और बच्चों की हालत थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से हमने रेस्ट किया और देख दिखाता हूँ मैं आपको होटल की विंडो से क्या नजर पूरा माता रानी के भवन दिख रहा है सामने अर्धकुंवारी है और ये तो नहा धो के रेडियो के निकलते हैं तो देखते हैं आज का दिन स्पेयर है लेकिन बच्चों की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो देखते हैं क्या डिसाइड करते हैं अगर आराम लग जाएगा तो हम सिर्फ थोड़ी जाएंगे वरना फिर हम जम्मू ही जा कर रेस्ट करते हैं क्योंकि हमारी ट्रेन है वापसी की जम्मू से चलो मिलते हैं।